नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ पहाड़ समाचार। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 44 संक्रमित मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 144 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 819 पहुंच गई है। टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को प्रदेश में 29,886 लोगों को वैक्सीन दी गई। विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि जहां तीसरी लहर को लेकर सरकार सख्त है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो घूमने के लिए नकली आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेकर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे 25 लोगों को बीते कल पकड़ा गया जो नकली आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेकर प्रदेश में घूम रहे थे। तो लगातार जिस तरह से सैलानी जो हैं वो घूमने फिरने वाली जगहों पर पहुंच रहे, हिल स्टेशंस पे खासतौर पर भीड़ जो है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संवाद भी किया था पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों से, और उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि कोरोना को दोबारा दावत नहीं देनी है तो भीड़ भाड़ को कम करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करनी होगी। चेकिंग टेस्टिंग पर जोर देना होगा, टेस्टिंग पर जोर देने की जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिल स्टेशन पर घूमने के लिए इतने उत्सुक हैं कि आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट नकली बनाई जा रही है। अब इसका भी पहलू सामने आ रहा है कि लोग आरटीपीसीआर की नकली रिपोर्ट बनाकर घूमने निकल रहे हैं, जिसको लेकर चिंता और भी बढ़ जाती है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लेकर लोग पहुंच रहे हैं, पहली बात तो इसकी पुष्टि कैसे होती है, साथ ही साथ उन लोगों पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? जी कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि कोरोना का असर जैसे जैसे उत्तराखंड में विभिन्न राज्य के पर्यटक जो है यहाँ पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जैसे ही उत्तराखंड में कोरोना का असर कम हो रहा है, केस कम आ रहे हैं, वैसे ही जो है बड़ी संख्या में फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ दून लोग पहुंच रहे हैं। अभी एक मामला आशा रोडी चेक पोस्ट पर आया है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम में से एक ऐसे लोग यात्री थे जो 25 यात्रियों को जो पकड़ा गया है। टीम ने सभी की आरटीपीसीआर और एंटीजन जांच की है, साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि दोबारा ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ आपदा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी, इस तरह से अब इन सैलानियों की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आरटीपीसीआर नेगेटिव लेके पहुंच रहे, क्या टेस्टिंग सरकार की तरफ से वहां पर कराई जा रही है एंट्री के पॉइंट पर? जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के जितने भी चेक पोस्ट हैं, दूसरे राज्यों के जितने भी यहाँ पे सैलानी आते हैं, चाहे पर्यटक हैं, चाहे कोई भी यात्री आता है, उनकी इन चेक पोस्टों पे हर दिन जो है यहाँ पर आरटीपीसीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, चेक होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोग जो है फर्जी आरटीपीसीआर टेस्ट की कॉपी लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। यही मामला जो है आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर पाया गया है। नोडल अधिकारी डॉक्टर एके अंसारी ने मांग किया कि यात्रियों की आरटीपीसीआर और एंटीजन जांच यहां पर की जाए, वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए, और जो भी यात्री दून आ रहे हैं उनकी आरटीपीसीआर होनी की रिपोर्ट होनी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो लोग कंफ्यूजन में हैं, और अगर बिना आरटीपीसीआर के उत्तराखंड में आए तो वो बिल्कुल ना आए, चेक पोस्ट पर उनकी निगरानी चेक आरटीपीसीआर बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि तीसरी दूसरी लहर बेशक शांत पड़ी है लेकिन तीसरी लहर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसको लेकर ये सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 44 संक्रमित मिले हैं। हालांकि सैलानियों का जो जमावड़ा है वो जुड़ता जा रहा है हिल स्टेशंस पर, जिसको लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। और इस तरह की बेशर्मी कि लोग आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लेकर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को सख्त होने की जरूरत है और इन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की भी जरूरत बन जाती है। वहीं बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के पाए जाने, कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय पर भी
विचार किया गया। मनुष्य जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को यथोचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये भी निर्देश दिए हैं कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्रवाई हेतु अनुरोध किया जाए ताकि वैश्विक महामारी को रोकने में सफल हो सके। जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर छतरपुर में बनाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित कर दी। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियाँ आई हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा नहीं करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध किया है कि जो कांवड़ यात्रा है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी गई है, तो किस तरह से समन्वय बैठेगा? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से बात करी जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में सभी आला अधिकारी और साथ साथ पिछली बार देखा गया था कि कई विभिन्न मुख्यमंत्रियों से भी बात की थी अन्य राज्यों की, लेकिन उसके बाद जो फाइनल डिसीजन लिया गया वो यही लिया गया कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ता गया था, लेकिन अब जिस तरीके से स्थितियां थोड़े नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से पर्यटक लगातार, चाहे बात करूँ मसूरी नैनीताल या किसी पर्यटक स्थल की बात करूँ, तो लगातार पर्यटक यहाँ घुसते जा रहे हैं, तो उसे नजर पर देखते हुए और तीसरी लहर का रुख देखते हुए जो सरकार ने निर्णय लिया है वो ये है कि कांवड़ यात्रा इस साल स्थगित कर दी जाएगी। और कहीं ना कहीं ये एक लोगों के हित में है कि जिस तरीके से तीसरी लहर आने बाकी है उसको देखते हुए अभी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त है और ये साफ तौर पर कर दिया है, अधिकारियों को निर्देश जारी करे हैं, साथ ही साथ कहा गया है कि अभी कांवड़ यात्रा करवाने की स्थिति में नहीं है, बाहर से लोगों के आगमन को लेकर स्थिति नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए और अन्य राज्यों से समन्वय बैठाया जाए कि कांवड़ यात्रा को लेकर एक बात की जाए और इस पर रोक लगाई जाए। ऋषिकेश में भाजपा पार्षद औकत अली और उसके परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाने वाली विधवा महिला की बेटी का गर्भपात हो गया है, जिसका जिम्मेदार पीड़ित महिला ने पार्षद को ठहराया है। मामले में पीड़ित महिला ने पुलिस से मुकदमे में भ्रूण हत्या का मुकदमा भी पार्षद के खिलाफ दर्ज करने की मांग की है। यही नहीं, आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी महिला द्वारा उठाई जा रही है। नाम अंजलि है, शौकत अली पार्षद जो है, ये जो हमारे घर में लड़ाई हुई थी, मारपीटी करी थी, और ये लोग परवेश हो गया, साजिया उनकी परवेश की मम्मी हो गई, ये लोग हमारे घर में आए थे मारपीटी करने, जिसमें मैं बीच बचाव में बाहर गई थी अपने भाई को बचाने के लिए, तो धक्का मुक्की में इन लोगों ने मेरे पेट में मार दिया, जिससे मेरा मिसकैरेज हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शौकत अली पार्स और परवेश अंसारी, साजिया और गोलू, ये सब ने मेरे साथ। बढ़ती महंगाई को लेकर प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने शहर में जुलूस निकालते हुए सरकार का पुतला फूका। लगातार खाद वस्तुओं और पेट्रोलियम पदार्थों की ऊंचाई छूती कीमतों के विरोध में प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। इस मौके पर महिला एकता केंद्र की नेता बिंदु गुप्ता ने कहा कि सरकार की जन विरोधी इस नीति से आज आम आदमी के सामने 2 जून की रोटी का भी संकट आ खड़ा हुआ है। पूंजीपतियों से वफादारी और जनता से गद्दारी का नारा देते हुए कहा कि जहां एक ओर अडानी अंबानी की तिजोरी दिन प्रतिदिन भर रही है, वहीं गरीब के मुंह की रोटी छिनती जा रही है और हालात यहां तक आ गए कि आम जनता को मरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी जारी की है कि अगर सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लगाती तो वो इस आंदोलन को और तेज करेंगे। कि जो बढ़ती हुई महंगाई है खाद्य पदार्थों पे, तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे, इन सारी मांगों को आधा किया जाए, जितनी भी दाम बढ़े हुए हैं उनको आधा किया जाए। और मोदी सरकार जो लगातार पूंजीपतियों के संग, हमारा यही नारा है पूंजीपतियों से आ रही जनता से गद्दारी नहीं चलेगी, तो ये सीधी सीधी साफ दिखाता है कि अडानी अंबानी को जितना भी मुनाफा पहुंचाने की कवायद सरकार चला रही है वो लगातार उसमें सक्सेसफुल हो रही है, और जो जनता के बीच में जितने भी वादे किए हैं उसने, उसमें सब में फेल है। तो हमारा ये मानना है इस महंगाई विरोधी जो मुहिम हमने चलाई है,
इस मुहिम के द्वारा हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जितनी भी मेहनत का सामान के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाली जो चीज़ें हैं, मूलभूत जो चीज़ें हैं, उस पर लगातार बेतहाशा महंगाई बढ़ाने के पीछे जो सरकार का जो खेल है वो लगातार। अल्मोड़ा के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कोरोना काल में व्यापारियों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए उपवास रखकर विरोध किया। इस मौके पर पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि कोरोना काल की पहली और दूसरी लहर में लागू लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। लगातार बाजार बंद होने से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। आज व्यापारी बैंकों के कर्ज तले दबे हुए हैं, पर कोई व्यापारी की सुध लेने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को एक स्पष्ट नीति बनाते हुए प्रत्येक व्यापारी को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। कोरोना जो महामारी प्रथम और द्वितीय लहर आई थी, और उसमें हमारे चाहे वो व्यापारी हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, चाहे वो टैक्सी चालक हो, चाहे होटल वाले हो, जिम वाले हो, या हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, उन्होंने भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसका अनुपालन किया। और इस कोरोना महामारी में चाहे वो प्रथम लहर रही चाहे द्वितीय लहर रही, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा हमारा व्यापारी प्रभावित रहा। और प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान उनके ब्याज को माफ करे, और उसके साथ साथ प्रदेश सरकार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की दखल से सभी राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। वहीं कांग्रेस हरीश रावत के चेहरे के साथ उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड की जनता को लूटने का प्रयास किया है। प्रदेश के युवा रोजगार के लिए तरस रहे, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी प्रदेश विकास के लिए तरस रहा है। नशे पर अंकुश लगाने के नाकाम हो चुकी है सरकार, युवा पीढ़ी को दलदल में घसीट रही है। केजरीवाल जी पहले दिल्ली को ही सुध ले लें, तब तो वो उत्तराखंड की बात करें। दिल्ली को बदहाल कर रखा है और चले हैं उत्तराखंड को वो देखने के लिए। ये सिर्फ एक तरीके से देखा जाए लोगों को बरगलाने का कार्य करें, लेकिन जनता ने अपना मूव बना लिया है। और रही बात, जनता ने पिछले पाँच साल में भाजपा का भी कार्य देख लिया, पूरी तरीके से विफल रहा है जनता से इनका मूव। कोरोना काल में लोग रोजी रोटी के लिए जंग लड़ रहे हैं, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, तो वहीं जिनके पास नौकरी बची है वो भी परेशान है क्योंकि कंपनियां अपने कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं दे रही है। ऐसे में कर्मचारियों के सामने घर का खर्च चलाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। भगवानपुर में स्थिति यूरो लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 महीने से कंपनी ने सैलरी नहीं दी है। हालात ये हो गए हैं कि उनके घर का खर्च तक नहीं चल पा रहा है, लेकिन कंपनी के अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जब बात करने की कोशिश की जाती है तो HR 1-2 दिन का टाइम देकर भगा देते हैं। सामान नहीं है, बिल्कुल बहुत परेशान हो रहे हैं हम। घर में सामान भी नहीं है हमारे, और परचून की दुकान वाले के बहुत पैसे हो रहे हैं। मेरे पापा भी नहीं है, और कंपनी में भी यहाँ पे मतलब कि काम नहीं लग रहा, ना कहीं और पर लग रहा काम। बहुत ज्यादा मजबूरी है हमारे पे, और मेरा भाई भी मतलब कि छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है भाई। तो क्या घर में आप ही कमाते हो कंपनी के द्वारा? और मैं, मेरी बस, मैं हम ही कमाते। कितने महीने की तनख्वाह है आपकी? 4 महीने की तनख्वाह है सर। और कंपनी वाले देने से क्या बोल रहे? मना कर दे सर अभी, कि मतलब कि कल को देंगे परसों को देंगे, इसको बोल दे। चंपावत जिले में बनाए गए वैक्सीन सेंटर्स पर तेजी से लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिससे लोगों में काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन फिर भी वैक्सीन नहीं लग पा रही थी। अब लोगों को आसानी से वैक्सीन की डोज लग पा रही है, तो जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। बीच में आई वैक्सीन की कमी के बाद अब एक बार फिर वैक्सीन आपूर्ति होने के बाद लोगों में वैक्सीन को लेकर खुशी है कि जल्द से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके। मैं अभी वैक्सीन लगा के आ रही हूँ। मुझे वैक्सीन लगाए हुए कम से कम आधा घंटा हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद हल्का बुखार और हल्का बदन दर्द होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा वैक्सीनेशन जल्दी हो गया, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, यहाँ ना कोई हॉस्पिटलों की सुविधा है ना अच्छे अस्पताल। देवीधुरा अस्पताल में वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है। पर डे लगभग 100 के करीब लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है।
अब हमारे अस्पताल में 18 प्लस 45 प्लस और 60 प्लस सभी का लग रहा है, सबके स्लॉट्स हैं, अपना बुकिंग करके आ रहे हैं उनका भी लग जा रहा है और ऑन स्पॉट भी हम यहाँ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हरिद्वार में पिछले हफ्ते ज्वेलरी शोरूम से दिन दहाड़े हुई 2 करोड़ की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम सोना, 6 किलो चांदी और 12 लाख रुपए नगद बरामद किए। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी युवक यूपी के बुलंदशहर जिले के ताऊ गैंग से संबंध रखते हैं। इन सभी के खिलाफ कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस घटना में शामिल 2 अन्य लोगों की तलाश कर रही है। एसएसपी सेंथिल अबुदाई ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि सतीश चौधरी उत्तर भारत के सबसे खूंखार ताऊ गैंग का सक्रिय सदस्य, जो अक्सर शहर के मुख्य व्यस्त इलाकों में बड़ी बड़ी लूट और डकैती की घटना को अंजाम देता है। ये जो है जो 11 तारीख को जो है हमने प्रेस मीट कराया था, ये जो 8 तारीख का जो मोरातोरा ज्वेलर्स में जो डकैती पड़ी थी उसमें 3 मेंबर्स को जो है उसी दिन हमने जो है जेल भेजा था। उसी का जो पूछताछ में जो नाम सामने आए, 5 नाम सामने आए हैं, उसमें जो है ताऊ गैंग जो कहते हैं उनका गैंग का द्वारा एक घटना का अंजाम दिया गया है। और इसमें जो है जो सतीश है इनका गैंग लीडर है, इनका पकड़ने के लिए सीओ अभय सिंह के नेतृत्व में टीम गठित करके जो है हमने विभिन्न हमारा जो मुजफ्फरनगर मेरठ बुलंदशहर अलीगढ़ जहाँ पे जो हमारी टीम लगातार चेकिंग है। मंगलौर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। एक महिला ने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जब महिला का पति नवजात को लेकर सामुदायिक केंद्र पहुंचा तो उसे बिना इलाज के वापस भेज दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सुरक्षा गार्ड को व्यक्ति ने सड़क पर डिलीवरी होने की बात कही, लेकिन सुरक्षा गार्ड द्वारा पीड़ित को डॉक्टर ना होने की बात कहकर वापस भेज दिया गया। वहीं चिकित्सा अधीक्षक विवेक तिवारी ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे संज्ञान में जो बात आई है तो मुझे ये पता चला है कि कल रात में 12:30 बजे कोई व्यक्ति बाहर से आया और वो एक छोटी बच्ची को लेकर आया था जिसकी डिलीवरी हुई थी। तो उसने ये कहा कि उसको दिखा रहा है, तो यहाँ पे गार्ड के द्वारा ये कहा गया कि रात में यहाँ पे कोई ड्यूटी पे नहीं रहता है, जैसा उसने मुझे बताया। अब मेरे ये संज्ञान में बात अभी आई है, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ और जांच करने के उपरांत जो भी दोषी। सहजयोग ट्रस्ट के एनजीओ निर्मल प्रेम आश्रम ने गडरिया बाग गोकुल नगर की 6 गरीब बालिकाओं को गोद लेने का ऐलान किया। इन सभी बालिकाओं की पढ़ाई लिखाई से लेकर सारी जिम्मेदारियां ट्रस्ट उठाएगा। सहज योग उत्तराखंड राज्य समन्वयक धर्मेंद्र बसेड़ा ने बताया कि सहयोग संस्था को निर्मला देवी ने 27 मार्च 2003 में ग्रेटर नोएडा में एनजीओ निर्मल प्रेम आश्रम की स्थापना की थी। इसमें गरीब, अनाथ व विधवा महिलाओं को रहने की सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही लड़कियों की पढ़ाई को लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी कार्य किया जाता है। एनजीओ निर्मल प्रेम आश्रम श्री माता जी निर्मला देवी जी ने 27 मार्च 2003 से शुरुआत की थी। ये एनजीओ श्री माता जी ने अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए खोला गया था और इसके तहत वहाँ पर अनाथ बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है और उनका पूरा। बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।